नागपुर शहर का जाना माना प्रतिष्ठान दारोटकर श्री मेहर ज्वेलर्स वर्षों से अपने ग्राहकों को शुद्धता और विश्वास की कसौटी पर खरी ज्वेलरी और उत्तम सेवाएं प्रदान कर रहा है। ग्राहकों के इसी विश्वास और प्रेम की बदौलत श्री मेहर ज्वेलर्स एक नई उड़ान भरने जा रहा है। इस नवरात्रि अपनी 50वीं वर्षगांठ पर दारोटकर श्री मेहर ज्वेलर्स धर्मपेठ झंडा चौक में अत्याधुनिक सुविधाओं वाला नया शोरूम लेकर आ रहे हैं, ऐसी जानकारी आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई। रविवार 10 अक्टूबर से यह शोरूम शहर की जनता की सेवा के लिए शुरू हो जाएगा। यह शोरूम 4500 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जहां ग्राहकों को खरीदी का बेहतरीन अनुभव मिलेगा। शोरूम की विशेषता यह है कि यहां एंटीक जड़ाऊ ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, हैवीवेट ज्वेलरी और एक औरत की सुंदरता में चार चांद लगाने वाला अनकट पोल की कलेक्शन, नई पीढ़ी को आकर्षित करने वाला ग्रीन ज्वेलरी सिग्नेचर कलेक्शन शामिल है। नए शोरूम में ग्राहकों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। सभी तरह के गहनों के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। उसी प्रकार सीताबर्डी में चांदी के बर्तनों का एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां नए जमाने की फैशन प्रेमी युवा पीढ़ी को देखते हुए चांदी की एक्सक्लूसिव ज्वेलरी उपलब्ध कराई गई है। इस संदर्भ में संचालक ने अधिक जानकारी साझा की। सर, मी याच्या एकदम अपोजिट बोलतो। ॲक्च्युली म्हणजे कसं की इथला जो म्हणजे आमचा जो एक आपला एक अनुभव आणि अनुभवातून जो विश्वास तयार होता ना की बाबा त्यांच्या कॉम्पिटिशनमध्ये तुम्ही करू शकणार किंवा नाही, तर मी म्हणेल मी अधिक चांगलं करू शकणार। असं हा एक कसं आहे कामातला एक मजबूत कॉन्फिडन्स असतो ना, तो मी सांगतोय। आणि इथे मी तिथे जे काम करतो त्यापेक्षा अधिक काम इथे जास्त करेल याचा मला पूर्णपणे विश्वास आहे। त्याचं कारण असं की इथे मी ह्यूज रेंज घेऊन येतो, जी आजपर्यंत मला वाटतं आपण तिथे नसेल बघितली शोरूमला, त्याच्या विरुद्ध इथे रेंज आहे। आणि मराठीची जी म्हणजे मराठी कामाची जी वारसा आम्ही तर जपली, पण त्यापेक्षा विरुद्ध आणखी जास्त अधिक चांगलं काम कसं करता येईल अँटिक ज्वेलरीमध्ये, पोलकी ज्वेलरीमध्ये जे काही मोनोपोली होती इतरांची, तर त्या लेवलवर अधिक इन्फ्लुएन्सली आम्ही ते व्हरायटी आणि हे सगळं कॉन्सेप्ट घेऊन। इस शोरूम की विशेषता चांदी की एक्सक्लूसिव ज्वेलरी है, जिसे काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। लाइटवेट और कम कीमत वाली यह ज्वेलरी युवा पीढ़ी को खूब लुभा रही है। अब चांदी की लाइटवेट ज्वेलरी की मांग भी बढ़ती जा रही है। 50 साल बाद दारोटकर श्री मेहर ज्वेलर्स की कमान अब तीसरी पीढ़ी के हाथ आ रही है। दारोटकर ज्वेलर्स की नींव वधी जिले के आव तहसील निवासी शेषराव केशव राव दारोटकर ने रखी थी। उनके बेटे सुधीर और प्रशांत दारोटकर भी व्यवसाय में उनका हाथ बटाने लगे। आज इस व्यवसाय में उनकी तीसरी पीढ़ी भी आ चुकी है। सुधीर दारोटकर के पुत्र सीए हर्षल दारोटकर और प्रशांत दारोटकर के पुत्र अनिरुद्ध दारोटकर भी बिजनेस से जुड़ रहे हैं। पणापासून मी ज्वेलरी बघून आहे, तर त्याच्यामुळे मला आता इंटरेस्ट ज्वेलरीमध्ये आहेच। आणि एक कस्टमरला सर्व करण्यात एक जी आपल्याला सॅटिस्फॅक्शन मिळतं, ते मे बी सेकंड याच्यामध्ये थोडंसं नाही मिळत, म्हणून मग मी ज्वेलरी लाईनलाच म्हणजे कंटिन्यू करत पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेसला पुढे घेऊन जातो। हर्षल दारोटकर ने नई तकनीक का इस्तेमाल कर व्यापार को और आगे बढ़ाने का काम किया है। इस नए शोरूम में वरिष्ठों का अनुभव और नई पीढ़ी की तकनीकी का समन्वय देखने को मिलेगा। दादा और पिता के अनुभव का उपयोग नई पीढ़ी काफी अच्छी तरह से कर रही है। सीए हर्षल दारोटकर जेमोलॉजिस्ट हैं और शोरूम में नई तकनीक के इस्तेमाल पर उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज़ नागपुर।